हेलो बेटा, नाउ दिस इज दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस रिटायरमेंट वाला चैप्टर, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब वही हमारे कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं जो 5 मार्कर्स पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। किशन मोहन और विशु तीन पार्टनर्स है जिनका रेशो था 5:2:2। तीन पार्टनर्स है जिसका रेशो था 5:2:2। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में चीज़ें देखा करो जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जितनी लायबिलिटी होती है वो क्लेम में चला जाता है, बाकी का हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन नीचे एडजस्टमेंट में ढूंढते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये रहा। लायबिलिटी ऑफ 57,500 इज टू बी क्रिएटेड फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 80,000, इसमें से 57,500 चला जाएगा क्लेम में, 57,500 चला जाएगा क्लेम में। फिर बाकी बचेगा हमारे पास 22,500। ये 22,500 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। क्योंकि इसके अगेंस्ट क्लेम कितना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना क्लेम है, 57,500। तो ये पैसा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ये पैसा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा क्लेम में, बाकी जो बच जाएगा 22,500 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कोई चीज़ देखो बांटने वाली, येरा गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स में। गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होती है उसे हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स में, ठीक है। बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है वो ख़त्म कर दी जाती है पार्टनर्स में। अब देखिए, 31 मार्च 2021 को किशन रिटायर हो रहा है। पार्टनर्स ने एग्री किया कि हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन इस तरीके से करेंगे। बैड डेट्स होंगे 12,500 के बैड डेट्स हो गए। देखो डेटर्स हमारे, ये सब हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं इसकी प्रैक्टिस। डेटर्स हमारे 95,000 है, जिसमें से 12,500 के डेटर्स हमारे बैड हो गए, माइनस कर दीजिए। अब हमारे डेटर्स नए डेटर्स है 82,500, नए डेटर्स है 82,500, ठीक है जी। 82,500 के नए डेटर्स हैं, याद रखना 82,500 के नए डेटर्स हैं। हमारे पास डेटर्स बैड कितने हुए, 12,500। हमारे पास प्रोविजन कितना था, 5,750। हमारे पास इस बैड डेट से होने वाले लॉस को सफ़र करने के लिए प्रोविज़न कितना था, 5,750। और हमारे डेटर्स बैड कितने हुए, 12,500। डेटर्स ज़्यादा बैड हुए हैं तो हमारे पास जो प्रोविज़न है वो शॉर्ट पड़ रहा है। कितना प्रोविज़न हमारा शॉर्ट पड़ रहा है, हमारा प्रोविज़न शॉर्ट पड़ रहा है कितना, माइनस करेंगे हम 6,750। हमारा कितना प्रोविज़न शॉर्ट पड़ रहा है, 6,750 का। तो ये जो प्रोविज़न शॉर्ट पड़ रहा है ये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर देते हैं। जितना प्रोविज़न शॉर्ट पड़ रहा है उतना प्रोविज़न हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा ही होगा यहाँ पर, टू बैड डेट्स 6,750, एग्जिस्टिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारा कितना, कितने डेटर्स हमारे, कितना प्रोविज़न कम पड़ रहा है। अगर पूरा प्रोविज़न, ज़्यादा प्रोविज़न होता तो पूरा का पूरा प्रोविज़न एडजस्ट हो जाता, बाकी बच जाता, लेकिन यहाँ प्रोविज़न कम पड़ रहा है। कि जब हमारा बेसिकली इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। बैड डेट्स के अंदर तो आ जाएगा 12,500, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर आएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में आएगा 5,750 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो था 6,750 वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितना हमारा प्रोविज़न कम पड़ रहा था बैड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए वो हमने लिख दिया, टू बैड डेट्स। नेक्स्ट बोल रहा है गुडविल, गुडविल की हमने वैल्यूएशन करी 1,35,000। इस गुडविल को हमने एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, डेफिनेटली एडजस्ट करते हैं, सैक्रिफाइजर को देते हैं और गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, गेनर्स को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइजर्स को क्रेडिट करते हैं, है ना। तो इसमें पहले हमें गेनिंग रेशो निकालनी ज़रूरी है।
यहाँ मेथड कौन सा दिया हुआ है, जो नए पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर्स की नई रेशो कितनी दी है 5:4, नए पार्टनर्स की नई रेशो कितनी दी हुई है 5:4, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओल्ड माइनस न्यू रेशो करेंगे, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, कृष्णा मोहन एंड विशु, न्यू रेशो रिटायर कौन हो रहा है, कृष्णा किशन, किशन रिटायर हो रहा है, मोहन और विष्णु की न्यू रेशो है 5:4, किशन की न्यू रेशो 0 है, मोहन और विष्णु की 5:4 है, तो 5:9 एंड 4:9, माइनस 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 ओल्ड रेशो 5:2:2, तो 7:9, ठीक है ना। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5:9, 4:9, 2:9, सॉरी 2:9 एंड 2:9, ये आ गया -5:9। तो कृष्ण कौन है, सेक्रीफाइजर, ये 5:9 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर जा रहा है। मोहन का कितना आएगा, 9, 5 माइनस 2 9, और 5 माइनस 2 हो गया 3, तो ये है गेनर, ये 3:9 शेयर गेन कर रहा है, और इसका 9, 4 माइनस 2 2:9, और विशु गेन कर रहा है 2:9, मोहन गेन कर रहा है 3:9, विशु गेन कर रहा है 2:9। तो हमारी यहाँ पर गेनिंग रेशो क्या है, 3:2, गेनिंग रेशो हमारी यहाँ पे क्या है, 3:2, गेनिंग रेशो 3:2। हमारा टारगेट, सबसे पहला टारगेट रिटायरमेंट के चैप्टर में क्या होता है, गेनिंग रेशो निकालना। हमने गेनिंग रेशो निकाल ली, गेनिंग रेशो कैसे निकाली है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर हमारी गेनिंग रेशो आ गई है 3:2। अब कृष्णा रिटायर हो रहा है, कृष्णा को उसका गुडविल का शेयर देंगे, कौन देंगे, मोहन और विष्णु देंगे, किस रेशो में देंगे, 3:2 की रेशो में देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया, इन्वेंट्री की नई वैल्यू 3,25,000। अब मैं आपको सारा क्वेश्चन समझा रही हूँ, पहले क्वेश्चन समझना है, आपने रीडिंग टाइम में क्वेश्चन को समझ के रखना है। इन्वेंट्री की पुरानी वैल्यू 3,35,000, नई वैल्यू 3,25,000, 10,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, जिसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। मशीनरी की नई वैल्यू 2,05,000 और मशीनरी की पुरानी वैल्यू 2,50,000, तो मशीनरी की पुरानी 2,50,000, मतलब बुक वैल्यू 2,50,000 और न्यू वैल्यू 2,05,000, तो मशीनरी कम हो रही है 45,000 से, इसे भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 45,000 से, इसे भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। फर्नीचर की न्यू वैल्यू है 4,87,500 और फर्नीचर की पुरानी वैल्यू है 4,50,000, बुक वैल्यू 4,50,000, तो फर्नीचर की कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 37,500, फर्नीचर अप्रिशिएट हो रहा है 37,500 से, जिसकी जर्नल एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जब फर्नीचर बढ़ रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग की नई वैल्यू है 15,00,000 और पुरानी वैल्यू बुक्स वैल्यू है 14,25,000, बिल्डिंग 75,000 से अप्रिशिएट हो रही है, जब अप्रिशिएट होगी एसेट की जनरल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये हमने कर लिया काम। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 62,500 की, ये इन्वेस्टमेंट हमने किशन को दे दी, ये इन्वेस्टमेंट हमने किशन को दे दी एज अ पार्ट ऑफ हिज पेमेंट ऑफ 70,000, उसका जो पेमेंट करनी थी हमने उसको, किशन कौन था, पार्टनर जो रिटायर हो रहा था, हमने उसको ये इन्वेस्टमेंट दे दी 62,500 की इन्वेस्टमेंट थी, 62,500 की इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी, इसको पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 62,500 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। उसके बाद हमने ये इन्वेस्टमेंट दे दी किशन को, और उसको जब दी है एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ 70,000, 70,000 में दे रहे हैं उसको, 70,000 में दे रहे हैं उसको, यहाँ पे फिर हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, पहले तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब उसकी वैल्यू बढ़ा दी 7,500 से,
62,500 की रिकॉर्ड कर लिया, अब उसकी वैल्यू बढ़ा दी 7,500 से, क्योंकि उसको जब हम किशन को दे रहे हैं 70,000 का बनाकर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 70,000 की है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं 70,000, तो यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे फिर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500। तो टोटल हमने जब वो रिकॉर्डेड नहीं थी 62,500 से रिकॉर्डेड नहीं थी वो रिकॉर्ड किया, बाद में जब हमने उसको दिया उसकी वैल्यू बढ़ाकर उसको दिया 7,500 से उसकी वैल्यू बढ़ाकर दिया, तो टोटल हमने उसको किस वैल्यू पर दिया 70,000 पे दिया, तो अल्टीमेटली जो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे वो 70,000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। पहले तो वो रिकॉर्डेड ही नहीं थी और उसको जब हम किसी को दे रहे हैं तो 70,000 की वैल्यू पर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू जो भी हो, जो भी वैल्यू, उसको हमने कुछ नहीं करना, जिस वैल्यू पहले तो अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड ही नहीं थी, जिस वैल्यू पर हम उसको दे रहे हैं उस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70,000, ठीक है जी। चलिए हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और बाकी का जो पैसा बचता है वो हमने उसको 2 महीने बाद पे करना है, वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, जो बाकी का पैसा बचता है हमने उसको 2 महीने बाद देना है, उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। मेरा पहला टारगेट है सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाना, अभी हमने क्वेश्चन समझ लिया, ये रीडिंग टाइम में ही आपने इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के रखना है। अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक पूरे पेज पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और एक पूरे पेज पे आप कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम गेयरिंग रेशो निकालते हैं, हमारी ओल्ड रेशो दी है 5:2:2, न्यू रेशो दे रखी है 5:4, अब न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दिया था तो हमारी गेनिंग रेशो निकल कर आ गई थी, ये मैंने आपको निकालनी सिखाई है ना, अभी न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस किया था, गेनिंग रेशो कितनी निकली 3:2, पहला काम हमने कर दिया, ये वर्किंग नोट में, गेनिंग रेशो हम कहाँ निकालते हैं, वर्किंग नोट में, पहला काम हमारा डन। सेकेंड काम हम करते हैं, जो बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो पार्टनर्स में बांटने वाली है वो बांट दो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 80,000 था, इसमें से 57,500 क्लेम में चला जाएगा, बाकी कितना बचेगा, ये 22,500 हमने तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या बनती है, अगर जर्नल एंट्री करनी होती तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 57,500 टू किशन कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू विश्व कैपिटल अकाउंट 22,500 को तीनों पार्टनर में बांट देते, लेकिन यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे हमने तीनों कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो इस क्लेम अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो बैलेंस शीट में आएगा ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने 22,500 को बांटना है, किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो थी 5:9, 2:9, 2:9, 9 1 9, 9 2 18, 4 क्या, 9 5 45, ये आ गया हमारा 12,500, ठीक है, उसके बाद इंटू 2:9 5,000, इंटू 2:9 5,000, तो हमने 22,500 को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया, 22,500 को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया, किशन को मिला 12,500, मोहन को मिला 5,000 और विश्व को मिला 5,000, 22,500 को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट में और क्या चीज़ दी है जो बांटने वाली है, बांटने वाली नहीं है, राइट ऑफ करने वाली है, ये गुडविल, ये पार्टनर्स में राइट ऑफ होगी। इसकी जर्नल एंट्री करनी होती तो जर्नल एंट्री होती कृष्ण कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, विष्णु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल डेबिट होती है ना, इस गुडविल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ये गुडविल डेबिट होती है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट, किशन डेबिट, मोहन डेबिट, विशु डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो और हम, लेकिन हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने इसको बांट दिया। अब इसको बांटना कैसे, देखिए 1,57,500 इंटू 5:9 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 87,500, फिर आप 2:9 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 35,000, फिर 2:9 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 35,000। तो जो गुडविल दी थी आपने तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दी टू गुडविल अकाउंट।
चलिए बैलेंस शीट में जो था खत्म कर दिया। सबसे पहला काम करते हैं हम गेनिंग रेशो निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट में जो था वो खत्म कर देते हैं। तीसरा काम हम क्या करते हैं, वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री सीक्वेंस में काम करना है। वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, वैल्यूड गुडविल कितनी है, 1,35,000। अब क्रिशन जा रहा है, क्रिशन का शेयर कितना है, 5/9। क्रिशन को 7,500 की गुडविल देनी है। देगा कौन, बाकी के गेनर्स कौन कौन है, मोहन और विष्णु। मोहन और विष्णु इसको 7,500 की गुडविल देंगे, 7,500 की गुडविल देंगे मोहन और विष्णु। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कितनी दी हुई है, 3:2। तो जनरल एंट्री बताइए यहाँ पे क्या बनेगी, जनरल एंट्री देखिए यहाँ पे क्या बनेगी। मोहन के लिए मैं एम लिख रही हूँ, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जनरल एंट्री पूछी नहीं है, अगर पूछी होती तो आप पूरा लिखते, ठीक है, ये रफ में लिख रहे हैं क्योंकि पूछी नहीं है, सिर्फ इस एंट्री को पोस्ट करना है। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किशन कैपिटल अकाउंट। क्रिशन को हमने 7,500 देना है। देगा कौन, मोहन और विशु। किस रेशो में देंगे, 3:2 की रेशो में। तो 7,500 × 3/5 जब आप करेंगे आपका आ जाएगा 4,500 × 3,000, ठीक है। 7,500 को आपने 3:2 की रेशो में बांट दिया, 7,500 × 3/5, 7,500 × 2/5। तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 4,500 से, विशु कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, क्रिशन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 7,500 से। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करना है, ये देखिए, टू किशन, टू वर्ड लिखा है ना, टू ये याद रखा करो, टू किशन लिख दिया। अमाउंट लिखते हैं मोहन और विशु में। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने 1,35,000 लिया था, 1,35,000 लिया था ये बेटा, 1,35,000। हम चेक करें इसकी गुडविल कितनी बनती है। हाँ ये बनेगी 75,000 बनेगी बेटा, 75,000, ठीक है। वो एक जीरो कम हो गई थी बेटे, उससे एक जीरो कम हो गई थी, या 45,000, 30,000, 75,000। तो मोहन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है 45,000 से, विष्णु कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 30,000 से, और टू क्रिशन करना है 75,000 से। तो टू क्रिशन लिखिए मोहन और विष्णु के डेबिट साइड पे, मोहन को डेबिट कर दीजिए 45,000 से, विष्णु को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए 30,000 से। मोहन और विष्णु डेबिट हो रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि वो किशन को कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए टू किशन कैपिटल लिख दिया हमने, ठीक है। मोहन और विष्णु डेबिट हो रहे हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने किशन को कंपनसेट करना है। तो मोहन और विष्णु में लिख दिया 45,000, 30,000 एंड टू किशन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्रिशन को हमने क्रेडिट करना था, तो क्रिशन के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर क्रिशन के कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा बाय मोहन बाय विष्णु। मोहन उसको 45,000 दे रहा है, विष्णु उसको 30,000 दे रहा है। बाय मोहन बाय विष्णु 45,000 and 30,000, क्रिशन के क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया बाय मोहन बाय विष्णु 45,000 and 30,000। नेक्स्ट डन। अब हमारा गुडविल का काम हो गया। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, गेनिंग रेशो निकालो। दूसरा काम, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ ऐसे दी हुई है बांटने वाली बांटो, राइट ऑफ करने वाली राइट ऑफ कर दो। उसके बाद जो वैल्यूड गुडविल होती है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, काम हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम करना है। मैंने आपको बताया था बैड डेट्स हमारे कितने हैं, 12,500, और हमने प्रोविज़न बनाना है, नया प्रोविज़न बनाना है 10%। इस चीज़ को ध्यान से समझना प्लीज़। ये मैंने आपको जो अपने जो नोट्स थे उसी में मैंने ये समझाया हुआ था, ये वाला केस। 95,000 के मेरे डेटर्स हैं, 5,750 का मेरा प्रोविज़न है। मेरे जो डेटर्स बैड हो रहे हैं वो 12,500 के डेटर्स बैड हो रहे हैं, ठीक है। 95,000 के मेरे डेटर्स थे और जो बैड हो रहे हैं 12,500 के डेटर्स बैड हो रहे हैं। बैड होने के बाद मेरे पास डेटर्स कितने डेटर्स बचेंगे, मेरे पास कितने डेटर्स बचेंगे, ये आ गया 82,500 के डेटर्स बचेंगे बैड होने के बाद।
मेरे पास प्रोविजन कितना था, 5750। जो बैड डेट से लॉस हो रहा है उस लॉस को सहन करने के लिए मेरे पास प्रोविजन कितना था, 5750 का प्रोविजन था। लेकिन मेरे डेटर्स बैड कितने हो रहे हैं, 12500। तो बाकी का डिफरेंस क्या है? ये शॉर्टफॉल हो गया, कम पड़ गया हमारा प्रोविज़न कम पड़ गया। जब प्रोविज़न कम पड़ जाएगा तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया टू बैड डेट्स। प्रोविज़न कम पड़ गया बैड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए, तो जो बाकी का प्रोविज़न बचा, बाकी का जो कितना प्रोविज़न कम पड़ गया था बैड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए, 6750, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं, हमारा पुराना प्रोविज़न तो पूरा यूज़ हो गया, इनफैक्ट वो कम ही पड़ गया था। क्वेश्चन कह रहा है हमें 10% का प्रोविज़न मेंटेन करना है, 10% का प्रोविज़न बना के रखना है। तो जो हमारे डेटर्स बचे हुए हैं, कितने डेटर्स बचे हैं, 82,500, इसका 10% 8,250। जो मेरे डेटर्स हैं 82,500, इसका 10% 8,250 मैं इतना प्रोविज़न और बनाऊंगी। जब प्रोविज़न बनाती हूँ तो जर्नल एंट्री करती हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 8,250, क्योंकि मेरे को नया प्रोविज़न कितना बना के रखना है, जो मेरे डेटर्स थे उसका 10%। डेटर्स कितने थे, 82,500 का 10% हो गया 8,250, तो 8,250 मैंने लिख दिया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 8,250। नेक्स्ट, गुडविल की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इन्वेंट्री 10,000 से कम हो रही थी, टू इन्वेंट्रीज। मशीनरी 45,000 से कम हो रही थी, टू मशीनरी 45,000, ये समझा चुकी हूँ मैं पहले। फर्नीचर बढ़ रहा था मेरा 37,500 से, बाय फर्नीचर। बिल्डिंग बढ़ रही थी मेरी 75,000 से, बिल्डिंग। ये मुझे इनकी नई वैल्यूज ही हुई हैं, नई वैल्यूज को पुरानी वैल्यू से कंपेयर किया मैंने, उनकी बुक वैल्यू से कंपेयर किया है। जब मेरी एसेट बढ़ रही है उसको मैं लिख रही हूँ क्रेडिट साइड, और जब मेरी एसेट कम हो रही है उसको लिख रही हूँ डेबिट साइड। ये डन हो गया। मेरे को क्लेम बनाना था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, बना लिया था। बाकी का जो रिजर्व बचा था पार्टनर्स में बांट दिया था। अगर मेरे पास रिजर्व नहीं होता तो ये लाइबिलिटी बनानी पड़ती, ठीक है। मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 62,500। अब मैंने ये पार्टनर को दे दी, लेकिन उसकी क्या वैल्यू बना कर दी, मैंने 70,000 की वैल्यू बना कर दी। तो मेरे को इसको 70,000 से रिकॉर्ड करना है पहले। तो 62,500 से रिकॉर्डेड होती तो मैं इसको कितने से बढ़ा कर देती, 7,500 से बढ़ाती। यहाँ पे लिखती बाय इन्वेस्टमेंट 7,500, लेकिन ये पहले ही 62,500 से रिकॉर्डेड ही नहीं है, और उसको जो मैं दे रही हूँ इन्वेस्ट पार्टनर को, वो 70,000 की वैल्यू बना कर दे रही हूँ। तो बाय इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 70,000 होगा, 70,000 होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारी एंट्रीज हो गई। अब मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से 1,82,500 में से जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा था माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 1,12,500। ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 5:2:2 की रेशो में। तो 1,12,500 इंटू 5/9, 1,12,500 इंटू 2/9, 1,12,500 इंटू 2/9, तो इनका आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको फिर इसी टाइम हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ना इधर से, ये देखिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब देखिए, अब रिटायर कौन हो रहा है, किशन को पहले छोड़िए, पहले मोहन और विष्णु का देखिए। मोहन का टोटल के क्रेडिट साइड का 7,80,000, डेबिट साइड का टोटल किया 80, 7,80,000 में से 80 माइनस किया 7,00,000 बना, तो बाय बैलेंस सी डी 7,00,000। विशु का टोटल किया 7,55,000, 7,55,000 में से 65,000 माइनस किया तो 6,90,000 आ गया बैलेंस सी डी। मोहन और विष्णु का बैलेंस सीडी निकाल लिया। कृष्ण रिटायर हो रहा था, कृष्ण को हमने क्या दिया था, 70,000 के इन्वेस्टमेंट। जब किसी पार्टनर को एसेट देते हैं तो उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखते हैं, तो इन कृष्ण के डेबिट साइड पर हमने लिख दिया था टू इन्वेस्टमेंट 70,000।
अब हमने कृष्ण का जो बैलेंस शीट ही निकालना है, बैलेंस शीट ही नहीं निकालना, वो लोन अकाउंट में जाएगा। कृष्ण का क्रेडिट साइड का सारा टोटल किया 13 लाख आ गया, 13 लाख में से दोनों चीज़ें माइनस करी 11,42,500 आ गया। इसको हमने लिख दिया टू किशन लोन अकाउंट। तो आपका ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट डन, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से एक वीडियो में एक ही एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाई हूँ, अभी इतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी बाकी के चैप्टर स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद फिर हम लास्ट में एक बार मैं इसी के कॉन्टिन्यूशन में, रिटायरमेंट के कॉन्टिन्यूशन में 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूँगी। अभी मैं रिटायरमेंट यहीं तक स्टॉप कर रही हूँ। अब मैं इसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करूँगी, रिटायरमेंट का यही वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद मैं डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। रेस्ट जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो।